सारा जो फोर्स होगी वो बच्चे की नेक के ऊपर लगेगी, इस तरह से उसकी गर्दन टूटने का खतरा होगा। तो ये मेथड गलत होता है। सिंपल आपने क्या करना है, तसल्ली देनी है ठीक है उसके पेशेंट्स को, पेशेंट बच्चे को पकड़ना है, ये चेयर के ऊपर बैठना है आपने, सिंपली चेयर पे बैठ गए। अब गौर से देखना है आपने बच्चे को लिफ्ट कैसे करना है, राइट हैंड ये पोजिशन होगी, आपने इस तरह से बच्चे को लिफ्ट करना है ठीक है, नजर आ रही है सबको। सिंपली अपनी एक टांग आगे निकालनी है ठीक है, बच्चे ज्यादातर अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे की सबसे पहले टांगे कंट्रोल करनी है आपने ठीक है जी, कंट्रोल करनी। अब बच्चे को अपनी टांग के ऊपर लिटा लिया ऐसे, अच्छा अब आपने क्या करना है, अपने दूसरे हाथ की मदद से पैक क्लोज देने हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 पांच बैक क्लोज दे दिए, फिर बच्चे को दूसरे हाथ में सीधा कर लेना है, फिर ये दो फिंगर्स की मदद से कंप्रेशन देने, 1, 2, 3, 4, 5 फिर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है जी। ये प्रोसीजर आपने तब तक करना है जब तक के जो चीज फंसी हुई है कोई भी सिक्का ठीक है शॉर्पनर कोई भी चीज रबड़ वगैरह वो बाहर नहीं निकलती, बच्चा वॉमिट नहीं कर देता या बच्चा बेहोश नहीं हो जाता, अगर बच्चा बेहोश होता फिर आपने उसका सीपीआर करना है। बड़े बच्चे की सीपीआर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि बड़ों के लिए हम लोग अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे को सीपीआर करने के लिए अच्छा सबसे पहले जो बच्चे की पल्स चेक करनी है, बच्चे की कभी भी कैरोटिड पल्स चेक नहीं की जाती ठीक है, बच्चे की हमेशा ब्रेकल पल्स चेक की जाती है ठीक है जी, अंगूठे के ऑपोजिट साइड पे होती है ब्रेकल पल्स, सिंपली आपने ब्रेकल पल्स चेक करनी है, वैसे ही 1,000, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010 के लिए ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पल्स चेक कर ली, पल्स चेक करने के बाद आपने उसी तरह से बच्चे का एयरवे क्लियर कर लिया फिंगर स्वीप करके, फिंगर स्वीप करने के बाद आपने बच्चे